खरगोन शहर में 10 अप्रैल को हुई हिंसा के करीब एक पखवाड़ा बीत चुका है। तेजी से सामान्य हो रहे हालातों को देखते हुए प्रशासन भी मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं पर लगी पाबंदियां भी हटा रहा है। मंगलवार से यात्री बसों को भी बस स्टैंड से सवारियां बैठाने की अनुमति दे दी गई है। कलेक्टर अनुग्रह पी ने बताया, मंगलवार से सुबह 8 से शाम 5 बजे यानी कर्फ्यू ढील अवधि में बस स्टैंड पर आवाजाही कर सवारियां बैठा सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय नहीं लिया है। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर दंगे के दौरान फायर करने वाले वसीम उर्फ मोहसिन से रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद वसीम की निशानदेही पर देसी पिस्टल बरामद कर ली है। यह पिस्टल वसीम ने दंगे में इस्तेमाल कर फरार होते समय कुंदा नदी किनारे फेंक दी थी। आरोपी ने पिस्टल तूफान सिंह से खरीदना कबूल किया है। और कुछ बड़े फैसले कल से जो है हम बसेस अलाउ करा रहे हैं, पैसेंजर बसेस, यही टाइम रहेगी 8 से 5 की छूट रहेगी और उस समय जो है मंडी के साथ साथ बसेस को भी इस बार अलाउ करा रहे हैं। पेट्रोल पंप को लेकर भी अभी उसमें विचार चल रही है, हम जल्दी से आपको जो है कुल निर्णय बताएंगे। समय क्या रहेगा? 8 से 5। ढील का क्या रहेगा? दिनांक 10 तारीख को रामनवमी के जुलूस के बाद जो पथराव हुआ था उसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय जब गए थे और उनको गोली लगी थी, उसमें जो आरोपी था वसीम और मोहसिन उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसको 3 दिन में पुलिस रिमांड में उससे पूछताछ की गई और उसके बाद जो उससे जो हथियार वो जिससे गोली चली थी वो पुलिस ने बरामद किया। वो कुंदा नदी के किनारे उसने फेंक दिया था जब वो भाग रहा था, वहाँ से घास में था, हमने बरामद किया है वो हथियार। और उसके अलावा इससे और भी पूछताछ हुई है कि कहाँ से आया है, तो इसने कोई बताया है कि यहाँ कोई तूफान से नाम का व्यक्ति उससे लिया है, तो उससे भी हम लोग आगे भी पता करेंगे और उसकी भी गिरफ्तारी। इनकी इनकी तैयारी थी क्या कि पहले से जिस तरीके से इसने पहले से ही खरीदा? अभी इस चीज़ का कोई ऐसा नहीं है, बाकी इस बारे में भी अभी हम और पता करेंगे इसके बैकग्राउंड और अन्य लोग जो भी बात है उनको गिरफ्तार करेंगे। सर ये पिस्टल है कि बनी हुई है? ये हाँ देसी ही है, कहीं बना हुआ है, जो इसके सोर्स हैं उसके बारे में भी पता लगा है। जैसे पूरे शहर में CCTV भी लगाए थे, पूरे शहर में अभी हमारी बात हुई है DM मैडम से, तो इसका प्लानिंग चल रही है और CCTV लगाए जाएंगे। अभी पहले जो शहर के सेंसिटिव स्पॉट से जहाँ पर ऐसी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होंगी उनको कवर किया जाएगा। सर अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी? अभी तक 68 प्रकरणों में 175 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अच्छा 175 ही सर, जिसने शरण ली थी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अभी हम जो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये गया और जो जिन लोगों ने इसकी हेल्प की उन पर। खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।